अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आलिया मौज़म एंड वेलकम टू माय प्रोग्राम इंस्पिरेशन बाय आलिया मौज़म। एम्पथी के बारे में हम अक्सर सुना होगा, एम्पथेटिक होना चाहिए। एम्पथी का मतलब क्या होता है? एम्पथी का मतलब ये होता है कि जब हम अपने आप को किसी और की जगह पर रखते हैं। इट इज़ अ वेरी गुड स्किल, क्योंकि जब हम एम्पथी को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करते हैं तो उसकी वजह से हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स में लाइफ के बहुत अंडरस्टैंडिंग हमारी नेचर हो जाती है और हम बहुत अच्छे तरीके से उसको समझ सकते हैं। तो हमेशा बी एम्पथेटिक, और जब भी कोई लाइफ में सिचुएशंस ऐसी आएँ जहाँ पे आपको लग रहा हो कि ये डिफ़िकल्ट हो रही हैं, तो एम्पथेटिक होकर सोचें कि अगर मैं इसकी जगह हूँ तो क्या हो सकता है। आगे चल के मैं आपको एक और भी बात बताऊंगी एम्पथी के ही मामले में, क्योंकि वहाँ पे इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी आ जाता है और वो हम अपने रिलेशंस में डिस्कस करेंगे। पर्सनल ग्रूमिंग में आज हम बात करेंगे हेल्थ एंड केयर की। हेल्थ क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में? ऑब्वियसली हम हमेशा दुआ अल्लाह ताला से यही मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमें ज़िंदगी दें सेहत के साथ। और सेहत की इम्पॉर्टेंस अक्सर होता है टीनेजर्स को नहीं समझ आती, लेकिन वक्त के साथ साथ सेहत की इम्पॉर्टेंस हमें समझ आना शुरू रहती है। सेहत है तो सब कुछ है। तो ये उम्र जब आपकी एक होती है तो आपको पता चलता है कि सेहत कितनी इम्पॉर्टेंट है। तो मैं टीनेजर्स को ये ज़रूर कहूँगी कि अपने लिए जब भी दुआ मांगा करें तो सेहत भी मांगा करें। सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम बात करते हैं मैरिड वुमेन की, क्योंकि यंग एज में अक्सर माएँ होती हैं वो हमसे कंसल्ट करती हैं कि मेरी बेटी के लिए कोई बताएं, कोई इस तरह उसके हेयर फॉल हो रहा है, तो हम जब एज पूछते हैं तो शी इज़ 14, शी इज़ 16, सो दे डोंट नीड एनी मेडिसन्स जो कि वो यूज़ करें, ओरल मेडिसन्स। वो ओरल मेडिसन्स मैरिड वुमेन के लिए तो हम कह सकते हैं, क्योंकि जब आप की शादी होती है आपके हार्मोनल चेंजेस होते हैं, आपकी ऑब्वियसली बॉडी में चेंजेस आती हैं, आपकी बच्चे होते हैं, थकन होती है, बहुत से फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से यू नीड मल्टी वाइटमिन्स। और मल्टी वाइटमिन्स के मामले में एक बहुत अजीब सा कॉन्सेप्ट है, मिसकंसेप्शन है और एक गलत कॉन्सेप्ट है। अक्सर लेडीज़ कहती हैं कि मैंने मल्टी वाइटमिन्स खाना शुरू किए तो मैं मोटी होना शुरू हो गई। इट्स नॉट लाइक दैट। मल्टी वाइटमिन्स कभी भी आपको मोटा नहीं करते हैं। तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए जो आपको अच्छे मल्टीविटामिन्स रिकमेंड करें। अपने खाने के साथ मल्टीविटामिन्स को ज़रूर लीजिए। रीज़न बीइंग के जो है मल्टीविटामिन्स इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं कि हमारी अब वो खुराकें नहीं रही हैं, खुराकें इस तरह की प्योर नहीं रही हैं जिसकी वजह से हम जो हमारी बॉडी को एनर्जी दे सकें। तो यू नीड द फूड सप्लीमेंट्स। फूड सप्लीमेंट्स तो मैं इनको नहीं कहूँगी, बस मल्टीविटामिन ये है कि आपकी जो थोड़ी बहुत एनर्जी होती है उसको रिस्टोर कर देते हैं। तो डू टेक मल्टीविटामिन्स। रिलेशनशिप में आज हम बात करेंगे वही जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था एम्पथी के बारे में। एम्पथी बहुत अच्छी चीज़ है। मैंने जैसे कि आपको बताया है कि एम्पथेटिक होना चाहिए, अपने आप को उस जगह पे रखना चाहिए। आप हर रिलेशन में, लाइक अगर आप बॉस हैं और आपके कोई एम्प्लॉई है जो जिसको कुछ प्रॉब्लम्स हैं या कोई गलत उसका आपको लग रहा है बिहेवियर, तो आप उसको डेफिनेटली अपनी जगह पे रखेंगी और सोचेंगी कि हाँ शी माइट बी राइट। अच्छा, आज हम जो रिलेशन में बात करेंगे वो है फ्रेंड्स की। फ्रेंड्स में अक्सर गॉसिप्स होती हैं। हम अक्सर ये बात करते हैं कि देखो मैं तो इस तरह कभी ना करूँ और वो उसने इस तरह किया। मुश्किल क्या होती है? मुश्किल ये होती है कि जब आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन ऐसी हो जो आपको सूट ना कर रही हो। समटाइम्स वो आपके लिए मुश्किल होती है लेकिन किसी और के लिए वो मुश्किल नहीं होती है। जैसे कि आपको बहुत गर्मी लगती है तो आप एसी के बगैर नहीं रह सकते, दैट इज़ मुश्किल फॉर यू। लेकिन कोई ऐसे हैं जो एसी के बगैर आराम से रहते हैं, तो उनके लिए वो एसी लोड शेडिंग होना या एसी ना होना वो मुश्किल नहीं है। तो इसी तरह इस एग्जांपल को हम यहाँ पे एम्पथी में भी डालेंगे कि आप अपनी लाइफ में कभी भी अपने साथ किसी को कंपेयर इस सेंस में ना करें। मतलब एक तरफ तो मैंने आपको कहा है कि कंपैरिजन इज़ वेरी गुड इन अ पॉजिटिव वे, बट कंपैरिजन जब नेगेटिव वे में आता है तो दैट इज़ समथिंग रॉन्ग। क्योंकि हम लोग हमेशा अगले को बुरा तभी समझते हैं जब वो हमारे हिसाब से ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कह रही हैं आप अपनी किसी फ्रेंड के घर गई हैं और उसका किचन फैला हुआ है। ऑल दो कि ये कोई अच्छी बात नहीं है, आप बहुत किचन नीट करके रखती हैं, वो कुकिंग करती तो बहुत फैला के कुकिंग करती है, तो आप उसको बुरा कि देखो हम तो ऐसे नहीं करते, हम तो ऐसे नहीं करते, इस तरह नहीं सोचें। हर एक की अपनी लाइफ है, हर एक के अपने डिसीजंस हैं, हर एक के अपने सरकमस्टेंसेस हैं।
आपके सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट हैं, अगले के सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट हैं, उसको नहीं वो समझ आ रही है, तो किसी को क्रिटिसाइज मत करें ये सोच के कि आप ये काम करती हैं तो अगला क्यों नहीं करता। और आप नोट कीजिएगा, हम सब की लाइफ में जो है ना, जब हमें कोई इंसान बुरा लगता है ना, तो वो इसीलिए लगता है क्योंकि हम उसको अपने हिसाब से कंपेयर करते हैं। हम कहते हैं कि हम तो इस तरह नहीं करते, वो फिर क्यों करती है इस तरह। तो इसको ज़रूर सोचिएगा और इसको ज़रूर अडॉप्ट कीजिएगा, ख़ास तौर पर अपनी फ्रेंड्स में कभी भी इस तरह का कंपैरिजन ना करें। आज हम डिस्कस करेंगे कमेंट्स को। कमेंट्स में हमें एक बहुत ज़्यादा लोगों ने एक कमेंट किया है कि आपने DIY डू इट योर सेल्फ जब होम केयर बताया था तो उसमें क्या चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। देखिए, होम केयर में तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तीन चीज़ें याद रखिएगा, क्लिंजर, टोनर और जो है आपकी कोई भी क्रीम, मॉइस्चराइजिंग क्रीम। तो क्लिंजर टोनर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये नहीं है कि आप रोज़ाना क्लिंजिंग टोनिंग करेंगी, ये याद रखिएगा, आपने जब भी क्लिंजिंग टोनिंग करनी है तो वो हफ्ते में दो दिन ऐसे रख लें जिसमें आपने क्लिंजिंग टोनिंग करनी है। हाँ, जो ऑफिस जाती हैं, जो रोज़ाना मेकअप वेयर करती हैं, ऑब्वियसली दे हैव टू क्लीन देयर स्किन, उसके लिए वो ऐसे क्लिंजर यूज़ कर लें जो जेल क्लिंजर्स होते हैं, जो आपके मतलब फेस वॉश के तौर पे यूज़ होते हैं और क्लिंजर के तौर पे भी यूज़ होते हैं, तो दे आर वेरी गुड। देर आर सम क्लिंजर्स जैसे कि डर्मोलॉजिका का एक प्री क्लींस है, तो दैट इज़ वेरी गुड। वो उसमें एक ट्रिग्लिसराइड फार्मूला होता है जिसकी वजह से उसका मैं आपको तरीका बता देती हूँ। उसका तरीका ये नहीं है कि जो है आपने सिंपल ऑर्डिनरी क्लिंजर्स की तरह कर लिए, ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जो ऑफिस वर्किंग लेडीज़ हैं। उसको आपने जो है आँखों पर को अवॉइड करते हुए पूरे चेहरे पे बस थोड़ा सा आप कहने के एक पॉइंट के बराबर आपने वो लेना है और अपने चेहरे पे मलना है। ड्राई चेहरा होना चाहिए, ड्राई हाथ होने चाहिए, वो मल लें 2 मिनट्स के लिए और उसके बाद हाथों को गीला करके तेज़ी से उसको मलें, गीले हाथ अपने चेहरे पे। तो उससे क्या होगा, उससे आपके चेहरे पे एक वाइट सा फोम तो नहीं होगा, वाइटिश मिल्की टाइप का बन जाएगा, तो वो फिर अंदर से पोर्स से पूरा खींच के आपकी जो डेब्रीज होती हैं, डस्ट होती है, वो सारे डस्ट पार्टिकल्स उनको निकाल लेते हैं। देन उसको किसी वेट स्पॉन्ज से अच्छी तरह साफ कर लें और फिर अपने फेस वॉश से मुँह धो लें। तो दिस इज़ द क्लिंजर फॉर द वर्किंग लेडीज़। और उसके अलावा डर्मोलॉजिका इज़ एक्सपेंसिव, ज़रूरी नहीं कि डर्मोलॉजिका, देर आर सो मैनी अदर ब्रांड्स जो मार्केट में आप जाएंगे, जब किसी ब्यूटी कॉस्मेटिक शॉप में जाएं तो वो आपको अच्छा रिकमेंड कर सकते हैं। आपकी ड्राई स्किन है तो उसके हिसाब से कर सकते हैं, अगर किसी की ऑयली स्किन है तो वो उसके हिसाब से कर सकते हैं। ये याद रखिएगा कि ऑयली स्किन वाले टोनर में एस्ट्रिंजेंट अगर यूज़ करेंगी तो दैट इज़ मच बेटर। और जिनके एक्नी निकलती है वो टी ट्री ऑयल ज़रूर लेके रखें, क्योंकि टी ट्री ऑयल एक्नी का बहुत अच्छा सोल्यूशन है। इसके साथ ही हमारा प्रोग्राम ख़त्म होता है। अपना ख्याल रखिएगा। मा सलामा।